बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, ये आपके सामने है होंडा सिविक मेरे पास। ये मैं आपको इसमें ओबीडी स्कैनर लगा के दिखाऊंगा। ये आपके सामने है, ये मैंने यहाँ नीचे लगा दी है, मैंने लगा दिया है। और इसकी कनेक्टिविटी, इसकी अनबॉक्सिंग और इसमें ये कौन कौन सी गाड़ी में काम करेंगे, इसके सारा रिव्यू चेक करते हैं और वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैंने आपको बताया था कि मैं इंशाल्लाह अपने चैनल पर आप लोगों को के लिए ये स्कैनर वगैरह की वीडियो भी अपलोड करूँगा, तो इसी सिलसिले मैंने ये एक वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। ये बहुत से इलेक्ट्रिशियन हजरात जो है ना, जो छोटे लेवल पर स्टार्ट अपना काम करते हैं, जैसे कि ये सादा काम करने वगैरह, उनके पास भी जो गाड़ियाँ आती हैं उनमें भी चेक लाइट का मसला होता है अक्सर में, तो उनके लिए ये कोड रीडर सबसे अच्छा जो पाकिस्तान में अब अवेलेबल है तो वो कौन सा है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने ऑर्डर किया हुआ था एक दराज पर, ये आपके सामने है ऑर्डर। ये इसकी प्राइस है 1950 रुपये। ये तकरीबन कबल एक माह पहले मैंने ऑर्डर किया था, तो ये उसकी प्राइस है। इसका नाम है वी गेट। ये अच्छा स्कैनर है जो मैंने अपने जितने भी यूज़ किए हैं, ये छोटे स्कैनर उनमें सबसे ये बेहतर स्कैनर यही है। मैंने जितने यूज़ किए हैं उसमें ये तमाम प्रोटोकॉल जो गाड़ियों में आ रहे हैं, ये उसमें तमाम प्रोटोकॉल्स भी हैं। उसमें ये क्या क्या दे रहे हैं, ये फीचर्स, एक साल की वारंटी है, लेकिन ये चाइना से आता है तो इसकी वारंटी नहीं है। मेरे पास जो वेरियंट है 3.0 है, ब्लूटूथ वेरियंट, देख रहे हैं आप। ये आपको मैं खोल के दिखाता हूँ इसमें और क्या क्या है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये स्कैनर है। ये पहले जो आता था ना ब्लू कलर में, वो भी ठीक था, लेकिन ये उससे काफ़ी अच्छी डिवाइस है। इसका सॉफ्टवेयर भी अपडेटेड है, तो इसके आप दो तीन सॉफ्टवेयर के साथ यूज़ कर सकते हैं। कॉल डॉक्टर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉर्क प्रो के साथ भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसकी गाइड बुक है, ये इसकी गाइड बुक है जनाब, ये देख रहे हैं। ये इसमें बताया गया कि आप इसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें ये वो भी बता रहा है कि आप इसे ट्रबल शूट चेक कर सकते हैं। इसमें जो है रियल टाइम इंफॉर्मेशन है वो इसमें यही होता है कि इसमें आरपीएम आप इसका चेक कर सकते हैं, इसे ईसीटी का टेम्परेचर जो है ना, कूलेंट टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, और इसे नॉर्मल फॉल्ट कोड जो इंजन में आते हैं वो इसे आप स्कैन कर सकते हैं। और ये हमारे जो भाई हैं ऑटो इलेक्ट्रिशियन, जिन्होंने नया नया काम शुरू किया होता है, यहाँ वो सादा करते हैं लेकिन उन्हें ये चेक लाइट इंजन वगैरह का नहीं पता, ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये कि वो उनके पास भी हो और उन्हें ये पता हो। ये देखें, ये दिखा रहा है कि ये कूलेंट टेम्परेचर और ये आप दूसरी चीज़ें भी देख सकते हैं। ये कुछ भी आप ट्रबल कोड जो आपके इंजन में आते हैं तो वो इसमें, ये एयर बैग या दूसरी चीज़ें तो नहीं हैं, ये इंजन के रिलेटेड ही सिर्फ आपको बताएगा। तो ये एक अच्छी डिवाइस है ये, इंशाल्लाह मैं आपको ये गाड़ी में चेक करके दिखाता हूँ उसकी कंपेरेटिबिलिटी। सबसे पहले आपने ये ईएमएल 327 आइडेंटिफायर इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर से। ये चेक करेगा कि आपने जो भी ठीक डिवाइस खरीदी है ये सही है या रियल है या फेक है। अक्सर होता है कि कॉपी किया होता है डिवाइस को, तो ये चेक करेंगे सही जो आपके पास डिवाइस है वो रियल है या फेक है। अक्सर होता है कि वो चेंज बोर्ड बस कॉपी किया होता है, तो ये एक है ईएमएल 327 आइडेंटिफायर, तो इस पर आप चेक कर सकते हैं कि ये रियल है। तो देखिए मैंने ये खुद कनेक्ट किया है, वी लिंक देखें, ये मैंने ओबीडी कनेक्ट किया होगा, तो ये सारे स्पोटेड बता रहा है और अनस्पोटेड किसी को कोई भी प्रोटोकॉल ऐसा नहीं है जिसे अनस्पोटेड ये बताए। तो इसका ये स्कोर जो आपके सामने है 104 ये बिल्कुल इसका, तो ये अच्छी डिवाइस है। वो ऐसे नहीं है कि कोई कुछ गाड़ियों को करे कुछ को ना करे, लेकिन ज़्यादातर को जो है ना मैंने देखा ज़्यादातर को ये करेगा इंशाल्लाह। ये आपके इसके सामने रिजल्ट है, ये सारा कुछ मैंने आपके सामने ही इसलिए ये दिखा रहा हूँ कि आप जब भी लें तो इसे आप चेक कर सकेंगे ये
ये देखे, ये जितने भी मॉडल्स वगैरह हैं या जो भी इसके प्रोटोकॉल हैं, ये इन सब को जो है ना कनेक्ट कर सकेगा। ये आपके सामने है ना, वो जिन जिन गाड़ियों में मैंने टेस्ट आउट किया है उसकी तस्वीरें हैं। ये एवरी है एक्सएल आई डोंट नो मॉडल जी, ये आपके सामने है होंडा सिविक मेरे पास। ये मैं आपको इसमें ओबीडी स्कैनर लगा के दिखाऊंगा। ये आपके सामने है, ये मैंने यहाँ नीचे लगा दिए, ये देख सकते हैं आप। ये देखें जनाब, ये मैंने टॉर्क प्रो लगाया हुआ। देखें ये आरपीएम इसके, ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन में क्या क्या है ये आपके सामने है। इसमें आप ये कुछ मालूमात इसकी वैक्यूम की, इसकी थ्रॉटल पोजीशन की, इसमें आरपीएम, इसमें जो एक्सेलरेशन देते हैं इसके वैक्यूम की, तो ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन ये है। एक मिनट और ये सारा कुछ देखें जनाब, ये गाड़ी स्टार्ट करने आए थे। ये होंडा की एवरी गाड़ी है, इसमें भी मेरे पास ये भी स्कैनर है, ये आपके पास ये देख सकते हैं लॉन्च का। लेकिन मैंने उसमें ये अपना स्कैनर लगाया है, और इसमें ये दो तीन मेरे पास है, इस पर आप और ओबीडी भी कनेक्ट कर सकते हैं और टॉर्च भी। मैं टॉर्च आपके सामने कनेक्ट करूँगा, ये कनेक्ट हुआ है। ये देखें इसके आरपीएम 800-850, जिसमें आप पावर कोड चेक कर सकते हैं। ये पावर कोड मैं आपके सामने चेक करूँगा, ये आप यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, ये पावर कोड ये देखें, ये आपके सामने ये तमाम पावर कोड जिसमें आ रहे हैं। ये जहाँ पावर कोड है इसमें, ये जो भी इसमें वो आपके सामने पावर कोड, और ये इसका मैं स्क्रीन शॉट है ना, बाद में से मैं चेक करूँगा। ये आपके लिए सर बना रहा हूँ कि इसमें ये देखें, ये पेंडिंग है कुछ पुराने और ये करंट में, तो ये ऐसे ही है जैसे आप ये दूसरा स्कैनर दूसरा यूज़ करते हैं स्कैनर अच्छे वाला। तो ये एक बेसिक जो इलेक्ट्रिशियन है या सादा इलेक्ट्रिशियन कम्युनिकेशन, तो उसके लिए बहुत ज़रूरत है। अब इसमें मैं क्लियर करूँगा जो क्लियर होने के काबिल है। ओके, जी तो ये इसमें आप फॉल्ट कोड को नहीं आए देख रहे हैं आप, ये अब नील है बिल्कुल। तो इस तरह आप किसी भी गाड़ी के फॉल्ट को चेक कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, ये इसके रियल टाइम इंफॉर्मेशन में आप ये इसकी एक्सेलरेशन, इसकी थ्रॉटल बॉडी की पोजीशन, और इसमें ये कुछ चीज़ें और भी हैं, ये भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। ये आपके सामने, ये मैं दिखा रहा हूँ, तो ये आपके सामने ही है। इसमें ये 0 to 100 है, 0 to 60 है, ये कुछ इंफॉर्मेशन है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फ्यूल की एवरेज की, और ये इसके सर्किट है ऑक्सीजन और कैटालिटिक का इसका अनकम्प्लीट है। तो ये आपके सामने है कि इसमें ये कमी इसमें है। तो वैसे इसमें ये आप DTC रिमूव कर सकते हैं, इसके कोड चेक कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत और ग्राफिक वगैरह जो इसमें ऑक्सीजन का है कोड। आगे मैंने आपको टोयोटा की गाड़ी में भी एक लगा के दिखाया, और सिविक के भी। ये होंडा सिटी है मेरे पास, होंडा सिटी, ये मैंने इसका लगाया स्कैनर, ये आप देख सकते हैं। अब पहले तो मैंने टॉर्क ऐप पर किया था, अब मेरे पास एक और फ्री ऐप है जो जिसका नाम है कार ओबीडी। जी तो पहले मैंने किया था ये टॉर्क पर, अब मैं इसे ये डॉक्टर ओबीडी ऑटो डॉक्टर पर कर देता हूँ। ये आपके सामने है, देखें ये मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ, ये इसके आरपीएम है, देखें ये 1400 पर गए हैं। ये इसका कूलेंट टेम्परेचर है, फारेनहाइट में बता रहा है, ये इसका एयर टेम्परेचर है। इसकी आप सेटिंग कर सकते हैं, अगर आपने और कुछ भी इस ऐप में देखना है तो वो आपको फिर इसको ख़रीदना पड़ेगा। और ट्रबल कोड चेक करते हैं यहाँ, ये जी ट्रबल कोड है इसके। तो इस वक्त गाड़ी में कोई भी ट्रबल कोड नहीं है ऐसा कोई के आपको दिखाऊं, क्योंकि इसका इंजन और वायरिंग इसकी नहीं की है, तो इसमें कोई ऐसा ट्रबल कोड नहीं है। लेकिन ये इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, ये आपके सामने के डायग्नोजिंग ट्रबल कोड
कंफर्म भी जीरो है, पेंडिंग और परमानेंट भी जीरो है बिल्कुल। और ये इसका ये सामने है, इसमें वो थोड़ी ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन वगैरह इसमें सिर्फ आप आरपीएम है और ये कूलेंट टेम्परेचर इन टेकर में। और आपने अगर ज़्यादा कुछ देखना है तो वो आपको ख़रीदना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। अगर कुछ ऐसी डिवाइस लेना चाहता है तो वो भी जान सके ये